बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, हमारे इस चैनल पर जितने भी सवालों के जवाब दिए जाते हैं वो कुरान और हदीस से दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी YouTube फैमिली में से किस शख्स ने सवाल किया है और क्या सवाल किया है। तो जी, आज का सवाल एक खतून का सवाल है जिनका नाम मिस मरियम है। तो आइए इनका सवाल पहले जान लेते हैं और उसके बाद तफसील से इनके सवाल का जवाब देखते हैं। और आइए देखते हैं कि आखिर इनका सवाल क्या है। तो जी, मिस मरियम का सवाल है, मेरी उम्र 55 साल है। 27 साल पहले एक बच्चे की वलादत के बाद मेरे 15 रोजे छूट गए थे और इस साल मैं इसे पूरा नहीं कर सकी थी। क्या अब मैं इसे पूरा कर सकती हूँ और क्या मुझे कोई गुनाह भी होगा? दोबारा सवाल रिपीट करते चले, मेरी उम्र 55 साल है। 27 साल पहले एक बच्चे की वलादत के बाद मेरे 15 रोजे छूट गए थे और इस साल मैं इसे पूरा नहीं कर सकी थी। क्या अब मैं इसे पूरा कर सकती हूँ और क्या मुझे कोई गुनाह होगा? तो आइए मिस मरियम को इस सवाल का जवाब देते हैं। तो प्यारी बहन, इस तखीर की वजह से आप अल्लाह ताला से तौबा करें और छूटे हुए रोजों को पूरा करें। साथ ही हर दिन एक मस्कीन को शहर की गजा से निसफ साग के मकदार में खाना खिलाएं, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो प्यारी बहन, आपका मसला हल हो गया। दोबारा बताएं, इस तखीर की वजह से आप अल्लाह ताला से तौबा करें और छूटे हुए रोजों को पूरा करें और साथ ही हर दिन एक मस्कीन को शहर की गजा से निसफ साग के मकदार में आपको खाना खिलाना पड़ेगा, तो आपका मसला हल हो गया है। तो प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज के सवाल का जवाब अच्छी तरह से मिल गया होगा। अगर आपके जहन में भी इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही आपके सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।